Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज यहाँ पे हम सर्दियों की ख़ास चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, मज़ेदार पाए, और वो भी बनेंगे बिल्कुल पिशावरी स्टाइल में। किस तरीके से पिशावर के जो है मशहूर पाए बनाए जाते हैं, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे आपके साथ शेयर। ये देखें कितने अच्छी तरीके से गल चुका है, कितने मज़ेदार बनाए थे, कितनी देर को करना, सब कुछ आज होगा यहाँ शेयर। तो चलिए फिर आपसे शेयर करते हैं ये पाए जो है हमने किस तरीके से रेडी किए हैं। यहाँ पे जो है तकरीबन जो है चार पाए हैं, और ये जो है बड़े के यहाँ पे चार पाए हैं। इसमें इस वक्त पानी जो है वो ऐड हो रहा है, तकरीबन 8 से 9 ग्लास इसमें पानी ऐड हो रहा है। पायों को जो है अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसमें 9 ग्लास पानी ऐड हुआ, और अब इसमें जाएंगे यहाँ पे गरम मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच जा रहा है सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 चाय के चम्मच इसमें ऐड होगा जवैतरी। यहाँ पे दालचीनी के ना छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं ताकि आपको बता सकें, तो ये भी 1 चाय का चम्मच छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1/2 चाय का चम्मच यहाँ पे चली जाएगी इसमें काले मिर्चें, और यहाँ 4 अदद इसमें ऐड होने लगी है बड़ी इलायची, मतलब कि बड़ी जो काली वाली इलायची होती है वो। 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड होगा यहाँ पे लौंग, और यहाँ पे जाएगा 1/2 चाय का चम्मच शाही ज़ीरा, मतलब कि सया ज़ीरा, और यहाँ पे 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड हो जाएगा खशखाश। ये थोड़े से गर्म मसाले 4 पायों में सिर्फ ऐड होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी यखनी बनानी है। पायों का जो अपना फ्लेवर खुद ही इतना ज़बरदस्त होता है, पिशावरी पाए भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और अब बारी आती है इसमें ऐड होने के अदरक लहसुन, जिसमें देखें 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का है और 6 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं। नमक यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है हसबे ज़रूरत, तो यहाँ पे 1/2 चाय का चम्मच जो है इसमें जा रहा है नमक। तो मैं यहाँ पे आपसे ऑथेंटिक पिशावरी पायों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारे घर में सेम इसी तरह बनते हैं, हल्के से मसाले में इतने जायके वाले ये होते हैं, क्या ही बात है इसकी। अब इसमें ऐड होंगे थोड़े और स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड होने लगा है यहाँ धनिया पाउडर। ये वही पिसा धनिया पाउडर है जो कि नॉर्मल रेगुलर घर में इस्तेमाल होता है। 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर, और 1/2 चाय का चम्मच इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे हल्दी पाउडर। बस यही इसकी मेजरमेंट है, स्क्रीन पे जो है आपको शो भी इसकी तमाम मेजरमेंट हो जाएगी कि कौन सी चीज़ किस क्वांटिटी में ऐड हुई है। अभी जो है यहाँ पे इसको मैं फुल हीट पे रखूँगी और इसमें आने दूँगी एक ज़बरदस्त किस्म का बॉयल, फिर आपको दिखाते हैं। परफेक्टली देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 2 से 4 घंटे ना इसको अच्छी तरीके से कुक होने दूंगी, तभी मैंने इतना सारा इसमें जो है पानी ऐड किया। तो अभी इसको कवर कर देते हैं और स्लो हीट पे इसको बिल्कुल आराम से कुक होने देते हैं, फिर आपको बताती हूँ इसको कितनी देर कुक किया है। ये देखें पाए की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है, और ये इतनी देर से जो है ये कुक हो रहा था, तो अभी जो है इसको मामा ने रहने दिया है थोड़ा हीट करने के लिए, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखें 5 घंटे हो गए हैं पाए को स्लो हीट पे कुक होते हुए, तो 5 घंटे पकाने के बाद देखें इसमें एक लेस सा आ गया अच्छा सा, और पूरी वगैरह थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी इसको और यहाँ पे कुक करना है। तो अभी इसमें कुछ चीज़ जो है वो इस स्टेज पे ऐड होगी, मतलब कि जब आपको फील लगे पाया कुक हो गया है, पाया अब गलना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे यहाँ पे चीज़ ऐड होगी। तकरीबन इसको 5 से 6 घंटा तो हमें पकाना ही पकाना है। यहाँ पे जो है इसमें दही, मामा आप कितनी दही ऐड कर रही हैं? मैं 1 चम्मच, 2 चम्मच समझो, 2 खाने का चम्मच। तो यहाँ पे 2 खाने का चम्मच जो है जाएगा, 4 पायों में 2 खाने का चम्मच सिर्फ दही ऐड होगी। और अभी जो इसको यहाँ पे चम्मच से मिक्स कर देते हैं। इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया, अब क्या करेंगे? अब तड़का तैयार करूँगी, अब फिर तड़का तैयार करके इसमें तड़का डाल दूँगी और हल्की आँच पे छोड़ दूँगी, हल्की आँच पे, और इसको पकाएंगी कितनी देर? अभी और पकाएंगे, 9 बजे तक तो पकाएंगे इसको। अच्छा, तो चलिए फिर आपको इसका तड़का दिखाते हैं, और अभी फ़िलहाल इसको कवर करके रखते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, अब ये प्याज वगैरह डाल रही हूँ, ये जो इसलिए के, हाँ बोलो बोले बोले, इसलिए के पाए में तेल नहीं डालते हैं, तो ये तड़के का ही तेल उसमें जाता है। तो प्याज आपने कितना लिया है तड़के के? प्याज मैंने 2 प्याज लिया बड़ी बड़ी, और ये 4 मैंने ये लिया गोल वाली मिर्च। इसमें अब मैं हरा धनिया काट रही हूँ, मैं हरा धनिया डालूँगी। अच्छा, तड़का थोड़ा हो जाए फिर डालेंगे। हाँ, फिर हो जाएंगे। जो है प्याज देखें लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है, तो इस स्टेज में 1 खाने के चम्मच के करीब यहाँ पे हरा धनिया ऐड हो रहा है। ये तड़का जो है ना इतना मज़ेदार होगा ना कि ये पाए में ऐड हो
होता है तो बस जादू ही हो जाता है। चलिए इसको फिर थोड़ा सा यहाँ पे कुक करते हैं। इस वक्त पाए को जो है फुल हीट पे रखा हुआ है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आता रहे और पानी जो है वो खुश भी होता रहे। और यहाँ पे तड़का जो है वो अच्छी तरीके से जो है परफेक्टली फ्राई हो चुका है और वो अब इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो इसमें ऐड हो गया है और अभी इसको मिक्स करें। हीट इस वक्त बहुत आ रही है, हीट कम होती है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कितने मज़ेदार और लाजवाब किस्म के पाए बने हैं ये देखें, कितने मज़ेदार हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, पिशावरी पाए और हमारे यहाँ इसी तरीके से बनते हैं। ये देखें कितना अच्छा सब कुछ बना है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।